नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की बढ़ती ताकतों और सामरिक शक्ति चीन को कभी रास नहीं आई, जिस कारण भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ बगल में नन्ही सी बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको और भी हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि चीन सालों से भारत के खिलाफ चालबाजी करता है, इसके धोखे की फतिहा है भारत की। उनके धोखे की लंबी लिस्ट आपने देखी भी होगी और सुनी भी होगी। भारत की बढ़ती ताकत और सामरिक शक्ति चीन को कभी रास नहीं आई। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत ने चीन से लगने वाली सीमा के करीब काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। यही बात चीन को हजम नहीं हो रही है। इसी की गुस्सा निकालने के लिए चीन लद्दाख में एक नहीं चार चार जगहों पर हिंदुस्तान को आंखें दिखाने की हिम्मत कर रहा है। अप्रैल के अंत में लद्दाख के पेंगांग झील के किनारे भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव बढ़ना शुरू हुआ। 5 और 6 मई को लद्दाख में पेंगांग झील के पास दोनों देशों के सैकड़ों सैनिक इकट्ठा हो गए। दोनों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में दोनों ओर से कई सैनिक घायल भी हुए। दोस्तों, आपको बता दें कि पेंगांग झील के किनारे झड़प 5 मई की रात में शुरू हुई थी, जो 6 मई की सुबह तक चली थी। झड़प में लोहे की रॉड, डंडों और पत्थरों का भी जमकर इस्तेमाल किया गया था। 9 मई को उत्तरी सिक्किम के बॉर्डर के पास चीन सैनिकों की भारतीय सैनिकों के साथ झड़प हो गई। दोस्तों, यहां भी झड़प में दोनों ओर से सैनिक घायल। हालांकि सैन्य स्तर पर मामले को सुलझा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 12 मई को चीन के हेलीकॉप्टर LAC के पास उड़ता भारत के 12 मई को चीन के हेलीकॉप्टर LAC के पास उड़ान भरते रहे, लेकिन भारत के सुखोई लड़ाकू विमानों ने उन्हें खदेड़ दिया। दोस्तों, इतना से भी चीन का मन नहीं भरा। इसी दौरान चीन के सैनिक गलवान घाटी के पास भी इकट्ठा हो गए। उनका जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान भी डट गए और जमकर मुकाबला किया। दोस्तों, भारत और चीन के इस झड़प के बाद 23 मई को आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लद्दाख सीमा का दौरा किया और चीन के तनाव के हालात का जायजा लिया। इसी बीच 25 मई को लद्दाख के पेंगोंग झील और गलवान घाटी के में चीन में 25 मई को लद्दाख के पेंगोंग झील और गलवान घाटी में चीन के तनाव और बढ़ गया। 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के हालात पर अहम बैठक की। दोस्तों, उसी बीच 26 मई को ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। अब भारत की रणनीति, कूटनीति और तेवर देखकर चीन बदल गया और भारत से दोस्ती करने की दुहाई देते हुए शांति की प्रस्ताव का बात करने लगा। तो दोस्तों, अभी अभी एक खबर निकल करके सामने आई है, भारत चीन विवाद में ट्रंप के दावे पर भारत का रिएक्शन। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच नहीं हुई थी कोई बातचीत। धन्यवाद।